बिहार में जारी सियासी घमासान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने विरोधी खेमे के नेताओं पर तीखा हमला किया है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव से बात की आज तक संवाददाता सुजीत झा ने, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। हम मौजूद हैं कुशेश्वर स्थान में जहां पर उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, और हमारे साथ है तेजस्वी यादव। तेजस्वी, आप तारापुर से आए, अब कुशेश्वर स्थान में है, क्या लग रहा है, पार्टी की क्या उम्मीदें हैं? नहीं, दोनों जगह लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है, और वाकई में जो मौजूदा जो सरकार है, लोग बड़े आक्रोश में हैं। एक तो कमर तोड़ महंगाई के साथ, आपने कमर तोड़ सड़क भी देखा होगा, और हम तो रिक्वेस्ट करेंगे, जरा जो नीतीश जी दावा करते हैं कि 5 घंटे में हम पहुंचा देंगे, जरा एक बार दिखा दीजिए कि कैसे 5 घंटे में। कई जगह तो जो है नाव बदलना पड़ता है। तो विकास की अगर जहां तक बात की जाए, तो दूर दूर तक जो है इस क्षेत्र में विकास नहीं नजर आता, और लोग बड़े गुस्से में हैं, और जनता का जो प्यार मिल रहा है, एक तो 15 साल से विधायक जो जदयू के रहे हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, उनकी गठबंधन की, राज्य में उनकी सरकार है, लेकिन इस क्षेत्र को कुछ नहीं मिला, सड़क तक नहीं दी गई, एमपी भी उनका, सब कुछ उनका, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब हम लोग तो पहली बार इस क्षेत्र में जो है चुनाव लड़ रहे हैं, कुशेश्वर स्थान में पहली बार लालटेन हम लोगों ने मुसहर समाज से आए हुए गणेश भारती जी को हम लोगों ने टिकट दिया है, और लोगों चाहते हैं कि बदलाव हो, और पूरा भरोसा है कि लोग जो है बदलाव, और वैसे भी बाय इलेक्शन में हम लोगों का रिकॉर्ड काफी बेहतरीन रहा है। वो तो है, और सही में आपने कहा कि सड़क की हालत बहुत खराब है, हम लोगों ने देखा है इसको। एक बात, ये मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को लेकर आप ये दोनों चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, ये उपचुनाव क्यों हो रहा है, अगर हम आपसे पूछे तो, यहाँ से जो विधायक थे उनको सरकारी इलाज नहीं मिल पाया, पूरा हेल्थ सिस्टम जो है चौपट रहा, मुख्यमंत्री चाहते तो उनका इलाज करवा सकते थे, एडमिट करा सकते थे, उपचार करवा सकते थे, सही उपचार ना मिलने से उनकी मृत्यु हुई। तो इसलिए ये मुद्दा तो है, लेकिन यहाँ का खास मुद्दा जो है पलायन है। लोग यहाँ कुछ नहीं है, ना कर कारखाना कुछ नहीं है, रोजी रोजगार के लिए कुछ नहीं है, और यहाँ के लोग बोलते हैं केवल आउटगोइंग है, इनकमिंग कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं है।